हूँ जी चेता सिंह आई आ मैं तेको गल कहूँगा भी चेता जरूर रख लो ये चेता ना भुला लो उन्हें फिल्म का जी। मैं एक सजैशन देना चाहूँगा सागा म्यूजिक वालों कि हजे भी टाइम है भाई इनू तीन चार लैंग्वेज रिलीज़ कर दो। बिल्कुल मूवी का ट्रेलर मैं देखा और मैं लगा कि चेता सिंह जिदा फिल्म का नाम चेता सिंह आ तो बहुत लंबे समय तक लोगों के चेत्या फिल्म रहने वाली आ। थिएटर से जाके फिल्म देखनी पसंद कर दो तो जो ये फिल्म रिलीज हुई पहला शो बहुत देखियो बहुत मजा आऊगा देखने नाले सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा। ज़्यादा आ रही सी साउथ दी फिल्में इधर ही देखिया जिथे इस तरह की मतलब दिखाई जाता है थ्रिलर हों सस्पेंस हों और फिर भी अच्छी लगती है। सो पंजाबी मूवी इंडस्ट्री ने एक वो काम किया इस बार कि ट्रेलर एडा जबरदस्त कढ़िया है हर छोटी छोटी गल का। मैं खुद वेट करती पी हाँ कि कदों फिल्म रिलीज होएगी तो मैं देखने जाऊँगा क्योंकि जेकर मैं अपनी लास्ट मूवी की गल करा तो मैं KGF 2 देखी सी। उस मूवी के जी चीज़ मैं सब तो वधिया लगी सी म्यूजिक कॉस्ट्यूम है ना करैक्टर तो वो नाल दे जिहड़े करैक्टर आ कि जे कोई विलन है तो उन्हूं पूरा खूंखार दिखाना तो है ना प्रीत कंवल जिहड़े वह एक बदला लै रहे आ मूवी दे विच सो उन्हूं खूंखार दिखाना वह गैटअप उदा दा सो इस मूवी दे विच इस ट्रेलर दे विच वो सारियां चीज़ां पूरियां ने। सत श्री अकाल जी की हाल चाल ने आई होप कि तुसी सारे बिल्कुल ठीक होंगे। हाल ही दे विच टीज़र रिलीज़ होया सी चेता सिंह दा ते हुण रिलीज़ होया इस दा ट्रेलर अज असी प्रेस कॉन्फ्रेंस च गए सी जिस ते बाद काफ़ी ज़्यादा क्रेजीनैस देखण नूं मिली लोकां दे विच पर अज असी अपने स्टूडियो विच मौजूद आ अपने न्यूज़ रूम च मौजूद हैगे आ हर एक दे विच एक क्रेजीनैस देखण नूं मिल रही है जो इस मूवी नूं लैके असी अपनी टीम नाल भी गलबात कर लैंदे आ कि साडी टीम नूं इस मूवी दा ट्रेलर किहो जिहा लग्गिया जदों इन्हां ने देखिया। होर साडे नाल सब तो पहला कुलविंदर माही ने उहनां नाल असी गलबात करदे आ। कुलविंदर जी की कहना चाहोगे पहले तो इस मूवी दा ट्रेलर नूं चेता सिंह। बिल्कुल मूवी दा ट्रेलर मैं देखा और मैं लगा कि चेता सिंह जिदा फिल्म दा नाम चेता सिंह आ तो बहुत लंबे समय तक लोगों के चेत्या विच फिल्म रहने वाली आ और आई थिंक पहली इधर की पंजाबी फिल्म आ थ्रिलर फिल्म असी पंजाब दे विच तां नहीं देखी इस तो पहला तो मैं लगता कि पहली इस तरह की फिल्म आ तो जिहदे विच सस्पेंस आ थ्रिलर आ और बड़ी शानदार मैनू थोड़ी थोड़ी ना पुष्पा फिल्म की भी याद आ रही सी साउथ दी फिल्में इधर ही देखिया जिथे इस तरह की मतलब दिखाई जाता है थ्रिलर हों सस्पेंस हों और फिर भी अच्छी लगती है तो उस तरह की फिल्म बना दी और प्रिंस कमलजीत की जो एक्टिंग आ वह तो पहले असं जानते कि किन्नी अच्छी है पर इस बार उभर के सामने आई आ विलन मतलब एक इंडिविजुअल करैक्टर देखने मिले प्रिंस कमलजीत बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बहुत ये फिल्म शानदार इन्हों की जी एक्टिंग है ना बहुत टाइम तक याद रखी जाएगी और पंजाबी एरा दे विच एक नवी शुरुआत भी इन्हों मान सकते हैं जिदा पहला भी असं देखा कि पहला भी कई कहें कि कॉमेडी फिल्म पहला आंदियां सी पंजाब दे विच और हुण तां इदां ही बन चुका सी जे कॉमेडी फिल्म आ और विच जे कोई कॉमेडियन आ तो फिल्म चलती है अदरवाइज़ वो फिल्म नहीं चलती पर इनू असी मान सकते हैं कि हाँ ये फिल्म चलेगी रोंगटे खड़े कर दी। बिल्कुल ट्रेलर तो मेरे मतलब ट्रेलर ने तो रोंगटे खड़े कर दे साडे न्यूज़ रूम दे विच भी ते साडे नाल हुण साडे मीनाक्षी तालीवाल जी मौजूद ने उन्होंने असी गलबात कर मीनाक्षी जी की कहना चाहोगे इस ट्रेलर नूं देख के। बहुत वधिया ट्रेलर अज देखे मैं बहुत अच्छा लग्या तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जेकर तुसी थिएटर से जाके फिल्म देखनी पसंद करते हो तो जो ये फिल्म रिलीज़ हुई पहला शो बहुत देखियो बहुत मज़ा आऊगा देखने नाले सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा। हाले तक असी हासी मजाक वाली फिल्मा देखने जाने परिवार के नाल उत्थे बैठ के फिल्म देखते हैं हासी मजाक पर कुछ सीखने नहीं मिलता पर इस फिल्म तो सानू बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मतलब बॉलीवुड दे विच एक बहुत ही यूनीक कॉन्सैप्ट जो कि साउथ का सीगा हुण बॉलीवुड च देखने को मिलेगा। जी जी सब तो वड्डी गल जी बहुत अच्छी है फिल्म मैं सब नूं कहना चाहुंदी हां कि ये फिल्म तुसी देखने जाओ। मैं खुद वेट करती पई हां कि कदों ये फिल्म रिलीज़ होएगी तो मैं देखने जाऊंगी। 2-1 सितंबर का सारे वेट कर रहे ने तो साडे नाल विवेक जी मौजूद ने वह दसणगे सानू मूवी दे बारे की कहना चाहोगे विवेक जी। निधि मैनू जेकर हुण मैं गल करां तां पहला तो प्रिंस कंवल दा मैं जिहड़ा फैन आ उहदी एक्टिंग दा ठीक है पर जिहड़ा ट्रेलर है ये एक जिहड़े मेरे वर्गे बंदे आ जिन्हों मतलब कॉमेडी या होर रोमांटिक मूवीज़ ना कोई लेना देना नहीं एक्शन थ्रिल देखना पसंद करते हैं। सो पंजाबी मूवी इंडस्ट्री ने एक वो काम किया इस बार कि ट्रेलर एडा जबरदस्त कढ़िया है हर छोटी छोटी गल का क्योंकि जेकर मैं अपनी लास्ट मूवी की गल करा तो मैं KGF 2 देखी सी। उस मूवी के जी चीज़ मैं सब तो वधिया लगी सी म्यूजिक
कॉस्ट्यूम है ना करैक्टर तो वो नाल के जोड़े करैक्टर आ कि जे कोई विलन है तो उन्होंने पूरा खूंखार दिखाना तो है ना प्रीत कंवल जेड़े वह एक बदला लै रहे मूवी के सो उन्होंने खूंखार दिखाना वह गैटअप उदा का सो इस मूवी के इस ट्रेलर के सारिया चीज़ा पूरी ने म्यूजिक तो लैके शॉर्ट्स तक कि वह हड्डा रूड़ी के शॉर्ट्स दिखाए गए आ फिर वो जड़ा बंदे बढ़ता है ना चाह बना दिता बंदे की वह सारे जोड़े एक एक छोटे छोटे एलीमेंट्स का जोड़ा रखा गया ना वो कितने ना कि पिंच करता कि यार मूवी साउथ को टक्कर दे रहा है पूरी दे रहा साउथ को नहीं जेकर मैं एक सजेशन देना चाहूँगा सागा म्यूजिक वालों कि हजे भी टाइम है भाई इनू तीन चार लैंग्वेज रिलीज़ कर दो चाहे ट्रेलर के उत्ते एक प्रैक्टिकल है वह करके देख लो एक्सपैरीमेंट या इन तीन चार लैंगुएज कर लो रिकॉर्ड तोड़ देगी सितंबर का वेट है पूरा 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 देख लियो तुसी हजे असी न्यूज़ रूम दी गल्ला करा रहे हैं ते हुण साडे एडिटर साहब जी की कहना चाहोगे सर किद्दां दा लग रहा हुण मूवी दा ट्रेलर वेखो जी मूवी दा ट्रेलर ते बहुत वधिया जी पहला जदा पम्मे बाई ने कीती वार्निंग वार्निंग तो बाद अहीं ते उहनां दी वेट करने पैंदे कोई नवीं फिल्म आवे हुण जिहड़ी चेता सिंह आई आ मैं ते को गल कहूंगा भी चेता जरूर रख लियो इहदा ਕਿਹੜੇ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁਲਾ ਲਿਓ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਸੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।